mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Welcome back fellow food geeks, आपका स्वागत है. आज इतना रेशमी, इतना रेड और इतना वंडरफुल पास्ता बनाने वाले हैं कि आप इसको बार बार बनाएंगे और ये बहुत ही बड़ा हिट होने वाला है आपकी फैमिली में. इतना सिंपल है, चार पांच चीज़ें हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे 1.25 किलो टमाटर या 2.5 पाउंड के आसपास टमाटर. तो इनको मैंने धो लिया है, रोमा टमाटर है, देसी टमाटर ले सकते हैं अगर आपके पास हो. ये बेंगलोरी टमाटर ऐसे होते हैं. इनको काट लेंगे, चार हिस्सों में काटूंगी. ऊपर की टोपी ये बस हटा के इसको चार हिस्सों में काट लूँगी. आप चाहो तो इसको मिक्सी में ब्लेंड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. पर मैं ऐसे करके पकाने के बाद इसको थोड़ा सा उससे ब्लेंड कर लूँगी, हैंड ब्लेंडर से. ये कट गए हैं टमाटर. अब अगली चीज़ जो हमें काटनी है वो है बेज़ल. अब ये मैंने हैंडफुल पत्ते हैं, हाथ भर के पत्ते लिए हैं, बाहर से तोड़ के लाई हूँ बेज़ल के. बहुत सुंदर है ना, इनको हम काट लेंगे. तो पत्तों को एक के ऊपर एक रख के इकट्ठा कर लिया. इसको मांडवी तुलसी भी बोलते हैं. अगर आपको ये ना मिले तो आप थाई बेजल भी यूज़ कर सकते हैं. वैसे ये जेनोवीज बेजल होता है, ये बेस्ट होता है. और इसको ऐसे बारीक काट लेंगे. और पत्ते भी हैं, उनको भी ऐसे ही काट लूँगी. पत्ते मैंने धो दिए हैं, पहले धो लिए थे, चिंता मत कीजिए. और बस हमारी सॉस की जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स थे वो तो तैयार भी हो गए. चलिए गैस की तरफ चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल में डाल रही हूँ. 4 से ज़्यादा कर सकते हैं, कम मत कीजिएगा. और इसमें 4 बड़े चम्मच भर के लहसुन पिसा हुआ. अब आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, अगर स्लाइस करके डालना चाहें तो 8-10-12 तुरियां, आपकी मर्जी है, श्रद्धा है अपनी अपनी. और जैसे ही हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो टमाटर डाल दीजिए. हमने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना लहसुन को. और डालते ही आप देखेंगे थोड़े जूस भी निकलना शुरू हो जाएगा. ये बहुत बढ़िया सॉस है, बहुत सिंपल सॉस है. और ये सॉस जो है अराउंड 1/2 किलो पास्ता आराम से बना लेती है. और खुला अगर आप सॉस डालें तो मैं इसमें से आधी सॉस यूज़ करूँगी. अब मेरे पास पिंक सॉल्ट भी है और सादा नमक भी है, आप कोई भी नमक डाल सकते हैं. मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा, जितना ये टमाटर अभी काफ़ी वो भी होंगे, रिड्यूस होंगे, तो उस हिसाब से. अब ऊपर से मैं बेजल डाल दिया सारा का सारा. हल्का सा हिलाऊंगी, ज़्यादा इसको तंग नहीं करूंगी, क्योंकि अपने आप ही इसने इतने जूसेस छोड़ देने हैं. अभी इतना लिक्विडी और जूसी हो जाएगा कि देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा, मुंह में भी जूसेस आने शुरू हो जाएंगे. तो इसको ढक के रख देते हैं. और सबसे पहले इसको ढक के हम 10 मिनट पकाएंगे. देखिए जूस दिखा रही हूँ. सबसे पहले 10 मिनट पकाने के बाद ये देखिए कितना सारा जूस निकल आया सिर्फ 10 मिनट में. इसको हल्का सा हिलाएंगे और फिर उस हिलाने के बाद ताकि बेजल सब अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि पहले मिक्स नहीं किया था, फिर बंद करेंगे और अब रखेंगे. और इसको अब 20 मिनट और हो गए हैं, मतलब टोटल 1/2 घंटा. और देखिए कितना अच्छे से ये हो गया है. अब इसको थोड़ा दबा दबा के टमाटर को बचे हुए को भी अच्छे से पल्प कर दीजिए. खुशबू ऐसी आ रही है इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती. अब फिर इसको बंद, अब 15 मिनट और हो गए हैं, तो टोटल अभी तक 45 मिनट हुए हैं. तो अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के चीनी, क्योंकि टमाटर की अपनी खटास होती है, चीनी की ज़रूरत है. और डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स 1/2 बड़ा चम्मच. आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. अब इसको थोड़ा और उबालेंगे सॉस को. और अब ये हो गई है, गैस बंद कर दूंगी, हल्का सा ठंडा होने रखूंगी, थोड़ी गाढ़ी भी होगी ये. अब इसको अच्छे से मैश कर देंगे ताकि कोई बड़े बड़े पीसेस ना रह जाएं. और ये सॉस आपकी तैयार है. और इतनी टेस्टी, इसको मैरिनारा सॉस बोलते हैं. मेरे पास रेड सॉस की 5 रेसिपीज़ हैं, 5 तरह की रेड सॉस होती हैं. उसमें से पहली वाली मैं आपको सिखा रही हूँ, बाकी भी सिखाऊंगी. सब लोग उसको रेड सॉस ही बोल देते हैं, लेकिन रेड सॉस में भी 5 तरह की होती हैं. अभी मैंने पास्ता उबाल लिया है, मैंने शेल पास्ता लिया है. आप कोई भी ले सकते हैं, स्पगेटी लीजिए, फ्यूज़ लीजिए, आपकी मर्ज़ी है. ये मैंने 225 ग्राम के आसपास पास्ता उबाला है, 225 के बीच में. थोड़ा पास्ता का पानी बचा लिया है क्योंकि वो काम आएगा अभी, आप देखेंगे कैसे. तो चलिए ये डालते हैं इसके अंदर. अब ये इसमें से आधी सॉस निकाल के मैंने आधी से थोड़ी कम पहले ही अलग करके रख ली है, ठंडी करके फ्रिज में डाल दी है. तो अब जितना आपको सॉस चाहिए आप धीरे धीरे डालते रहिए. अगर आपको कम लग रही है और डाल दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए. इकट्ठे डाल देंगे तो फिर निकालनी मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ. हल्की और चाहिए इसमें अभी.
और अगर आप मैरिनारा सॉस के साथ पास्ता खाना चाहते हैं, आपका पास्ता तैयार है, ये सॉस बना के फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, फ्रिज में भी 5-6 दिन आराम से चलेगी और फ्रीज़र में तो काफ़ी चलेगी। ये अब खाने के लिए तैयार था, लेकिन हम इसको एक स्टेप और फर्दर लेके जाएंगे और बढ़िया बनाएंगे। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फ्रेश मोज़रेला। आप स्लाइसेस डाल सकते हैं जैसे मैंने पहले रखे थे, ऐसे काट के भी डाल सकते हैं तोड़ तोड़ के, आपकी मर्ज़ी है। तो अब ये डाल दिया, अब इसके ऊपर सॉस और डालेंगे थोड़ी सी, ताकि और टैंगी हो। और सॉस डालने से पहले जो पास्ता वाटर मैंने रखा था वो डाल रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं इसे अवन में रखूँगी, और अवन में क्या होगा, भाप बन जाएगी, वो सूख जाएगा सारा पास्ता, उसकी सॉस सूख जाएगी, पास्ता हार्ड हो सकता है। तो अगर मैं ये पानी डालती हूँ तो उससे वो नहीं होगा, इसीलिए पानी डालना बहुत बहुत अच्छी बात है, डाला करिए। तो अब हमने और सॉस डाल दी है ताकि और जूसी हो जाए। और अब मेरे पास थोड़े से ऑलिव्स हैं कटे हुए, तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। वैसे तो मैंने इसमें और कोई सब्ज़ी डाली नहीं है, तो सोचा ऑलिव्स ही डाल दूँ, थोड़े से कलर अच्छा लगता है, कंट्रास्ट अच्छा लगता है। आप पर है, ना डालिए। और अब तो चीज़ और चाहिए, अभी इसके ऊपर से ग्रेटेड चीज़ चाहिए, क्योंकि ये जो ब्राउन होके जो लेयर बनाता है वो तो देखते ही बनती है। तो बस हो गया है ये, अब ये तैयार है। अब इस पे इसे हम सजा देते हैं, और इसे हमने अपना अवन पहले प्री हीट करने के लिए रखना है 470 फ़ारेनहाइट या 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हो गया, तो अब इसको उसमें डालते हैं। आप इसे बना के 2 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाद में बेक कर सकते हैं। अब 15-20 मिनट बेक करेंगे, और आवाज़ सुनिए, बबलिंग सॉस देख रहे हैं आप कोनों में, है कि नहीं खूबसूरत। चलिए अब इसको प्लेट में डालते हैं। लेकिन अगर आप फ्रिज से निकालेंगे 2-3 दिन तक रख के अगर आप बनाएंगे, तो आपको बेक थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से ठंडा होगा। ये तो अभी गर्म ही था सब कुछ। तो अपनी सर्विंग डालिए और सर्व कीजिए, ये तैयार है। तो ये मैरिनारा इस सॉस का नाम इसीलिए है क्योंकि मैरिनर्स होते हैं जो शिप के लोग होते हैं। तो 17वीं शताब्दी के आसपास टमाटर इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में, तो जो शिप के लोग थे जब वापस आते थे तो उनकी वाइफ्स उनके लिए बनाती थी, तो मैरिनर्स सॉस, इसलिए मैरिनारा इसका नाम पड़ गया। ये एक इटालियन रेड सॉस है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड सॉस पास्ता आजकल कौन नहीं बनाता और खाता, लेकिन रेड सॉस में बहुत वैरायटी होती है, और मैं आपको धीरे धीरे सबके नाम और सबके बारे में बताऊँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जल्दी ही एक और वीडियो में मिलूंगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा जब आपने ये बनाया, और देखिए प्लेट, कुछ चीज़ों के में बोलना नहीं चाहिए, शब्दों की मोहताज नहीं होती वो, और ये इतना स्वाद बना था। आई होप आप बनाएं, आपके परिवार के साथ खाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय।